आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में मैं पावर बीआई की डैक्स फंक्शन में बात कर रहा हूँ टाइम इंटेलिजेंट फॉर्मूले की। तो टाइम इंटेलिजेंट फॉर्मूले में हम चलिए बात करते हैं। अब ये दो फॉर्मूले हैं आपका क्लोज, ये आपका आता है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ मंथ, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्वार्टर, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ईयर। ये दो चीजें, लेकिन ये फॉर्मूला सेल्फ यूज नहीं होता है, इसके लिए कैलकुलेट का फॉर्मूला आता है। और क्लोजिंग बैलेंस आपको समझ में आ गया कि कैसे यूज होता है। जैसे देख रहे क्लोजिंग बैलेंस सम एक्स होता है, दिख रहा है आपको, कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय इन्वेंट्री, पूरा ही यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। तो ये सेल्फ यूज नहीं होता है, एक कैलकुलेट फंक्शन दिख रहा है आपको, कैलकुलेट फंक्शन की साथ यूज होता है। तो कैलकुलेट फंक्शन मैं समझाऊंगा तो इसको समझा दूंगा। तो फिलहाल एक क्लोजिंग समझ जाइए, लेकिन समझ जाइए क्लोजिंग बैलेंस मंथ क्या करता है। मंथ का क्लोजिंग, करंट मंथ का यार जो भी मंथ आप डालते हैं उस मंथ का क्लोजिंग बैलेंस दिखाता है, क्वार्टर आपका क्वार्टर का, और यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस ईयर का दिखाता है। ऐसे यहाँ पे आपको ओपनिंग बैलेंस है, आपको ओपनिंग बैलेंस दिखाता है। ये इन्वेंट्री में काम आता है, इन्वेंट्री में इसका काम आता है। उसके बाद इसमें आगे बढ़ते हैं डेट ऐड, डेट ऐड फॉर्मूले के बारे में जान लीजिए। डेट ऐड फॉर्मूले में क्या होता है, किसी पर्टिकुलर डेट में आपको कुछ चीज ऐड करनी है, ये डेट ऐड कहलाता है, या फिर घटानी है। तो हमें डेट की कैलकुलेशंस के लिए हमें बताया था कि हम मेनू कैसे खुद से कैलकुलेट कर लेते हैं, याद होगा। डेट टाइम, डेट के फॉर्मूले में हम माइनस ईयर मंथ और इसको माइनस किया था। अगर हम मंथ, अगर डेट में कोई चीज प्लस या माइनस करना है तो हम लोग क्या करते थे, डेट पर नॉर्मली प्लस कर देते थे, माइनस करना है दो डेट को माइनस कर देते थे, मंथ जोड़ना है ईयर मंथ लगा देते थे, मंथ ईयर डे दोनों जानना है तो डेट के फॉर्मूले में हम लगाते थे। बट इसके लिए इसका अलग से अपना फॉर्मूला है, चलिए वही मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। तो डेटा को लोड कर लिया हमने, तो ये हमारा डेटा है। अब इस डेटा में ये डेट है हमारा, मान लीजिए इस डेट पे मुझे एक मंथ जोड़ना है, तो इसके लिए हमने आपको ईयर मंथ का दिखाया था। बट हमारे पास एक और फॉर्मूला है, वो है डेट ऐड का। तो यहां पे डेट ऐड में हमने सेलेक्ट कर लिया अपना डेट्स, और क्या जोड़ना है इसमें, इंट्रा कितना मंथ जोड़ना है, कितना डे जोड़ना है, क्या जोड़ना है। तो हमने बोला कि मुझे मुझे दो जोड़ना है, और क्या जोड़ना है, तो यहां से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको डे जोड़ना है, मंथ जोड़ना है, क्वार्टर जोड़ना है, क्या जोड़ना है। हमने बोला क्वार्टर जोड़ना है, आपका क्वार्टर ऐड होगा। अगर आपको माइनस करना है तो इसमें जो हमने टू प्लस में लिखे हैं उसको आप माइनस में लिख दीजिए, तो ये आपका जो माइनस होके आ जाएगा, ये आपका डेट ऐड का फॉर्मूला। इसमें आपका आता है डेट्स बिटवीन, डेट बिटवीन मतलब कि आपको यहां पे, लेकिन ये भी फॉर्मूला कैलकुलेट के साथ या सम के साथ यूज किया जाता है। जैसे कि यहां पे आपका चलिए इसमें हम आपको बताते हैं, बिटवीन डेट टाइम ई कॉमा, डेट बिटवीन का यूज हम न्यू टेबल में कर सकते हैं। जैसे कि हमने मान लीजिए कि मुझे इसका स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट चाहिए, मिनिमम डेट और मैक्सिमम डेट पूरा लिखा हुआ चाहिए, तो हम यहाँ न्यू टेबल पे आते हैं। हालांकि फिलहाल इसको टेबल पे बताता हूँ, फिर कैलकुलेटर ही बताऊंगा इसको। न्यू टेबल पे हम आते हैं,
और न्यू टेबल पे हम यहाँ पे डेट देते हैं, डेट, और मैंने यहाँ पे बोल दिया यहाँ पे मान लीजिए कि डेट बिटवीन, डेट बिटवीन, और हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया डेट स्टार्ट डेट। मैंने यहाँ पे लगाया मिनिमम का फॉर्मूला कि मिनिमम, और मिनिमम में हमने बोला यहाँ पे डेट, और फिर कॉमा हमने दिया मैक्सिमम। यहाँ पे डेट्स लिखा हुआ है, यहाँ डेट बिटवीन, तो इसी में दो डेट के बीच का डेट शो करता है। इसको कैलकुलेट में हम बात करते हैं, चलिए कैलकुलेट में इसको करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हम बोलते हैं कैलकुलेट, कैलकुलेट आपका इसमें टेबल में यूज नहीं होता, कॉलम में यूज होता है, हमें इसको कॉलम में जाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे कॉलम में नहीं, मेजर्स में आता हूँ, मेजर्स, और हम यहाँ पे टोटल कर देते हैं, यहाँ पे कैलकुलेट, कैलकुलेट हम देते हैं सम। किसका सम करना है? तो हमने बोला सम करना है इसमें टोटल सेल्स का, क्वांटिटी का, यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ आता है फिल्टर, फिल्टर में फिर यहाँ पे जो दिख रहा है आपको कि यहाँ पे इसने डेट्स बिटवीन का यूज किया हुआ है, तो हम यहाँ पे डेट्स बिटवीन लेते हैं, डेट बिटवीन, और डेट बिटवीन में यहाँ पे डेट की, डेट एंड टाइम, डेट की, और यहाँ पे हमने बोल देते हैं डेट, डेटा में जो हमारा डेट है, डेटा, डेटा में डेट है उसको लेते हैं, और फिर इसमें हमारा स्टार्ट डेट और एंड डेट होता है कि आपको किस डेट के बीच का सम चाहिए, किस डेट के बीच का सम चाहिए। तो यहाँ पे आप मैनुअली लिख भी सकते हैं कि यहाँ पे मुझे एक एक इस तरह से डेट, इस डेट फॉर्मूला लेना पड़ेगा, हाँ डेट, डेट इसमें 2020 कॉमा 1 कॉमा 1 से लेके हम यहाँ पे डेट हमने दे दिया 2020 कॉमा 5 कॉमा 10 के बीच का, छूट गया। टोटल का कॉलम ऑलरेडी है, पड़ेगा तो टोटल डी के नाम से मैं बनाता हूं यहां पे, और मैं इसको यहां कार्ड पे रखता हूं इसको। ब्लैंक आया, हाँ डेट में आपने यहाँ देखा ना सर कि डेट में दिया, तो यहाँ पे 1/19 का डेट है, माफ कीजिएगा कि 19 तारीख का डेट आपको दिख रहा है ना, पूरा डेट आपको दिख गया यहाँ पे अक्टूबर तक का। तो डेट बिटवीन का यूज क्या होता है, उससे शायद मैं डेट पे यहाँ नीचे इस पर नहीं क्लिक किया था। डेट बिटवीन का मतलब होता है कि एक कॉलम में से मिनिमम एक पीरियड का डेट को अलग कर सकते हैं, तो एक टेबल में ये ऐड होता है, लेकिन इसको कैलकुलेट के साथ इसको हम कैलकुलेशन भी करते हैं।
अब इसमें अब ब्लैंक आ रहा है क्योंकि हमने 2020 कर दिया है। अगर मैं इसी को 2019 कर दूं तो मुझे यहाँ पे इसका टोटल दिख जाएगा, समझे? 2019, क्योंकि 2020 का डेट इसमें नहीं था, मैं देखने में गलती हो गई। 2020 आ गया। अब यहाँ पे कैलकुलेट को समझिए, जैसे हमने हमने सम सम एक्स काउंट एक्स मैक्स एक्स ऐसे फॉर्मूला लगाया था ना, सेम उसी तरह से कैलकुलेशन, ये आपका कैलकुलेट का ये फॉर्मूला है जिसमें आप जिस कॉलम को कैलकुलेट करना चाहते हो, जो कैलकुलेट करना चाहते हो, अगर सम करना है तो सम के फॉर्मूला दीजिए, मैक्स करना है तो मैक्स का, मिन करना है तो मिन का फॉर्मूला दीजिए। उसके बाद आप उस पर फिल्टर दे दीजिए कि इसके अंदर फिल्टर क्या लगाना है। तो फिल्टर मुझे दो डेट के पीरियड के डेट को सम करना था, इसलिए हमने यहाँ पे डेट बिटवीन का यूज किया था। जैसे मान लीजिए मंथली आपको सम करना है जैन फेब मार्च का, तो इसका यूज आप कर सकते हैं, राइट सर? बिल्कुल। कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़े। अब इसमें डेट बिटवीन के बाद यहाँ पे आता है डेट्स इन पीरियड, एक अगला फॉर्मूला है डेट्स इन पीरियड। स्टार्ट डेट, नंबर ऑफ इंटरवल एंड इंटरवल्स, जैसे कि अगर एग्जांपल हम यहाँ दें कि डेट्स हुआ जिस कॉलम का डेट करना है, स्टार्ट डेट कब से स्टार्ट करना है, नंबर ऑफ इंटरवल्स कितना दिन चाहिए और इंटरवल क्या चाहिए, क्वार्टर मंथ ईयर क्या चाहिए। जैसे ये मान लीजिए कि मुझे, हमने यहाँ पे ये दे दिया सम का फॉर्मूला दे दिया है ना सर, फिर आपने डेट, पहले इसके दिखा देता हूँ डेट पे। द डेट पे आपने देखा कि डेट बिटवीन ने क्या किया कि आपको जो पीरियड आपने दिया था उस पीरियड का डेट आपको दे दिया ना। अब यहाँ पे हम बात करते हैं डेट इन पीरियड के बारे में। डेट इन पीरियड में हमें सेलेक्ट करना होता है डेट्स कॉलम, डेट ऑफ कॉलम। तो हमने यहाँ पे डेटा का डेट ले लिया, उसके बाद स्टार्ट डेट कि आपको स्टार्ट कब से करना है। तो हमने डेट के अंदर में बोला कि भैया मुझे स्टार्ट करना है 2019 का एक एक, ठीक है, और कितने नंबर ऑफ, तो बोला कि तीन, और क्या चाहिए इसमें, तो मंथ। देखिए 3 महीने का डेट आपको दिखा देगा इस डेटा में से, जो जो डेट्स है। एक मिनट, अच्छा नंबर ऑफ ईयर क्वार्टर नहीं लिया हमने, एक मिस कर गया, तो मंथ को हमने लिया और यहाँ पे एंटर कर दिया। आ गया, 1 तारीख से लेके 31 तक का डेट आया होगा। अब मैं यहाँ पे ये भी कर सकता था कि क्वार्टर एक वन वन, और यहां पे भी हम कर सकते थे मंथ के जगह पे क्वार्टर, यहाँ पर क्वार्टर आ जाएगा, ओके। और इसी का यूज आप यहां भी कर सकते हैं, मेजर्स में भी कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे सम निकाला हुआ है, तो कैलकुलेट में सम, अपडेट मिटवीन के हम डेट इन पीरियड कर देंगे, तो डेट और ये स्टार्ट डेट हम आप डाल दीजिए और यहाँ पे आप इंटरवल डाल दीजिए, मुझे इतना क्वार्टर चाहिए। आपको यहाँ पे स्टार्ट डेट एंड डेट खुद से लिखने की जरूरत ही ना हो, मंथ क्वार्टर अपने आप रीड कर लेगा। कर लीजिएगा या करके दिखाऊं मैं कैलकुलेट में? सर एक बार ही करके दिखा दीजिए। चलिए, तो कैलकुलेट में मुझे सम करना है तो मैं इसको डिलीट करता हूँ पहले। तो डेट इन पीरियड, डेट्स इन पीरियड को लिया हमने, यहाँ पे सेलेक्ट किया डेटा में डेट को, फिर हमें इस यहाँ पे देना हुआ स्टार्ट डेट। स्टार्ट डेट को डेट फॉर्मूले में देता हूँ 2019,1,1 और इसको क्लोज कर दिया। कितने चाहिए, तो मैं बोला कि एक चाहिए, क्या चाहिए, तो हमने बोला क्वार्टर चाहिए, क्लियर। इसको एंटर मारता हूँ और देखिए 56 आ गया, इससे पहले 56 नहीं था। सर क्लियर, तो डेट यस। पीरियड का यूज हम इसी चीज में करते हैं। उसके बाद आता है डेट्स एम टी डी,
एमटीडी क्या होता है, मंथ टिल डेट। टिल तो यहाँ पे आपका टर्म एंड डेट्स द कॉलम द कंटेन डेट, एमटीडी करता क्या है? जैसे मंथ के एंड, जैसे आप बोल रहे हैं मार्च का क्या डेट नहीं है, तो नहीं 31 एक मार्च मिनट रुको, को नहीं देखिए, रिमार्क्स द डेट आर्गुमेंट कैन बी एनी द फॉलोइंग रेफरेंस डेट एंड टाइम कॉलम। इसका ये टर्म द कंटेन कॉलम डेट्स मंथ ऑफ डेट द करेंट कॉन्टेक्स्ट। एक बार मैं अलग टेबल में देखता हूँ उसको, मैंने कभी इसको यूज नहीं किया है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा कि मैं इसको जानता हूँ, बट चलिए बात करते हैं। यहाँ पे देखते हैं टेबल में पता चल जाए क्या डेट है। डेट डी डी एम टी डी में हमने सेलेक्ट किया अपना कॉलम जो डेट का कॉलम है, इसमें एक ही रेफरेंस है। तो यहाँ 10 से ये आप देख रहे, सिर्फ अक्टूबर का ही डेट दिया है। तो इसमें आपको दिखाता है कि जो हाईएस्ट डेट है उस मंथ का डेट एमटीडी से हुआ है, यहाँ पे लोअर नहीं दिखाता है इसमें। बात समझे कि नहीं? ये आपका सिर्फ अक्टूबर को देखिए, 1 तारीख से लेके 28 तारीख तक का डेट था, 28 तारीख तक डेट को उठा के आपको दिया है। तो एमटीडी हुआ कि आपके डेटा में जो सबसे करेंट मंथ चल रहा है, सबसे हाईएस्ट मंथ, नॉट ए करेंट मंथ, हाईएस्ट मंथ चल रहा है उसका डेटा दिखा देगा। हाईएस्ट करेंट ही होगा ना सर, वो आपका एमटीडी होता है। ऐसे आपका क्वार्टर है क्यूटीडी, ये आपका क्वार्टर का डेट दे देगा जो हाईएस्ट क्वार्टर होगा। तो इसमें कुछ वीक का है। देखता हूँ उसके बाद YTD ईयर का देता है, वीक का नहीं है सर, इसमें वीक का नहीं है सर, माफ कीजिएगा। इसके बाद एंड ऑफ मंथ पता ही आपको, ये बताने की जरूरत तो नहीं है। नहीं एंड ऑफ क्वार्टर, एंड ऑफ ईयर, तीन फॉर्मूले हैं ये मेजर्स में, या फिर आप इसमें सम जिप्स में यूज, सम एक्स में यूज कर सकते हो कि आपको 1 महीने का स्टार्टिंग टू एंडिंग का कुछ चाहिए, तो ये आपको डेट ऑफ क्वार्टर, डेट ऑफ ईयर, डेट ऑफ मंथ, तीन चीजें आपके सामने आपको यहाँ पे दे दीजिए कि डेट्स और यहाँ पे ईयर एंड ऑफ द डेट्स। अब ईयर में देखिए, यहाँ ईयर में दिया हुआ ईयर एंड ऑफ डेट, मतलब कि आपका फाइनेंशियल ईयर होगा तो मार्च में खत्म होगा, कब खत्म होता है आपका एक ईयर वो डाल दीजिएगा। अब यहाँ पे फर्स्ट डेट, ये आपका किसी भी महीने का फर्स्ट डेट, किसी भी इसका फर्स्ट डेट दिखा देगा आपको, ठीक है? अब फर्स्ट डेट का मतलब समझे, नहीं समझे ना, दिखाते हैं आपको। इसके लिए मुझे एक डेटा ऐड करना पड़ेगा, एक एन फर्स्ट डेट उस किसी भी रेंज की जो पहली डेट होगी वो देगा। नहीं, इसमें थोड़ा सा अलग है, हम इसको बताते हैं आपको। जैसे नेम, और यहाँ पे नेम, इसमें क्या है कि मैंने यहाँ पे पूजा दे दिया और यहाँ पे हमने डेट दे दिया, यहाँ पे मोहन दे दिया, और यहाँ पे हम मान लीजिए कि 10 10 जनवरी, उसके बाद मैं यहाँ पे नीरज 1/1/2020 का रखता हूँ, ये तो 2 ही रखता हूँ, और यहाँ पे टेबल के जगह पे हम DT के नाम से इसको लोड कर लेते हैं। हो गया? एड है। अब मैं इसको मेजर्स में आता हूँ, और यहाँ हम, क्योंकि मेजर्स में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट फर्स्ट डेट था ना, फर्स्ट डेट में हमने डेट यहाँ पे DT है ना, डीटी में हम डेट को ले लेते हैं, यहां पे हम लिख लेते हैं
और इसमें हम डी टी को एफ टी को रखता हूँ, तो आ गया 1/1/2010। समझे? आपके डेटा में सबसे स्टार्टिंग सबसे सबसे ये समझे मिनिमम सबसे पहला डेट कौन सा है, वो डेट आपको शो करेगा। मिनिमम कर लीजिए ना फर्स्ट डेट। देखिए इसी में एक और आता है नन ब्लैंक, यहाँ पे एक डेट आता है, इसलिए इतना एग्जाम्पल बनाना जरूरी ये था कि फर्स्ट नन ब्लैंक डेट। नन ब्लैंक डेट में मैंने यहाँ पे डी टी के अंदर सेलेक्ट कर लिया डेट, कॉलम नेम एंड एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन क्या आ गया? यहाँ पे वन दे दूँ तो क्या होगा? ये भी तो ये सेम ही कर रहा है। अब मैं इसको नॉन ब्लैंक देता है यहाँ कि पहला नॉन ब्लैंक कौन सा है, डेट देता है, लेकिन ये डेट में मिनिमम ही दे रहा है इसमें। यहाँ पे 10 तारीख आना चाहिए था, 10/1 करता हूँ तो इसके बारे में अभी एक अच्छा डेटा देकर बताऊंगा आपको, ठीक है? ये आपका नन ब्लैंक वैल्यू होता है, जो कॉलन है आपका उस कॉलन का नन ब्लैंक वैल्यू शो करता है इसका। यहाँ पे इसका भी ये सब चीज का यूज जो होता है ये इसमें होता है आपके में होता है। ये आपका लास्ट डेट, जैसे आपका फर्स्ट डेट था ना, ऐसे आपका लास्ट डेट देता है कि आपके डेटा का लास्ट डेट कौन सा है, ठीक है? लास्ट नॉन ब्लैंक क्या है, लास्ट वैल्यू क्या है, उसके बाद कुछ है नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट क्वार्टर, नेक्स्ट ईयर, ये आपका ये दिखाता है डेट। जो डेट सेलेक्ट करेंगे उसमें से आपको नेक्स्ट डे का डेट दिखाएगा कि हाँ जो डेट आपने दिया उससे अगला डेट कौन सा है। ये ओपनिंग मैंने बताया आपको। अब यहाँ पे एक आता है पैरल पीरियड, पैरल पीरियड इसका यूज में कैलकुलेट नहीं करते हैं पैरल पीरियड। एक मिनट एक बार दिखाता हूँ पैरल पीरियड करता क्या है, क्योंकि इसका एक्सप्रेशन बोलता है द रिटर्न द टेबल ऑफ कंटेन कॉलम डेट द रेफरेंसेस पीरियड द पैरल ऑफ द डेट डेट कैन कॉन्टेक्ट विथ डेट शिफ्टेड नंबर इंटरवल इन फॉरवर्ड बैक द टाइम। इसको भी करके देखते हैं। चलिए हम आते हैं डी टी पे, डी टी नहीं सर डेट पे आते हैं। तो डेट पे हम यहाँ पे पैरोड पीरियड, इसमें हम डेट सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद नंबर ऑफ इंटरवल, तो हमने बोला एक और हमें चाहिए कौन सा कि मंथ। यहां पे मैं इस डेट को सिलेक्ट करता हूं। इसमें देखिए जो हमारे सबसे कम मंथ था उसकी यहाँ एक मिनट देखिए, इसमें हमने देखा कि 2 तारीख का डेट, 2 तारीख का डेट आया, 2/1 से लेके फरवरी का डेट आया, मार्च का आया, अप्रैल मई जून जुलाई पूरा डेट ही दे दिया उठाए कॉलम इसने पैरल डेट। इसने किया क्या समझ में नहीं आ रहा।
प्रीवियस डे, प्रीवियस मंथ, प्रीवियस क्वार्टर, प्रीवियस ईयर, आपको प्रीवियस का दिखाता है। इसमें क्या है, कुछ फॉर्मूले अपडेट हुए। मैंने जो इससे पहले का पावर यूज़ किया था ना, वो पावर बी आई लोअर वर्जन का था, लेकिन जब मैंने अपडेट किया हूँ तो इसमें कुछ फॉर्मूले नए आए हैं, तो उसको मैंने भी यूज नहीं किया है। और जाहिर सी बात है, सारे फॉर्मूले यूज करना मुश्किल है ना सर, क्या? हाँ, कोई भी नहीं कर सकता है, वो तो खैर है। हाँ, तो इसमें मैं भी और देख इसमें रहा कि हूँ। और पावर बी आई एक ऐसा टूल देखा है मैंने कि जो बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा है। मतलब जी आप ये हाँ कह सकते हो कि आज आप कुछ यूज कर रहे हो सकता है, एक हफ्ते बाद दोबारा खोलोगे तो आपको कुछ और नया चीज उसमें ऐड ऑन मिलेगा। हाँ ये एक दिक्कत यही है सर, क्योंकि एक्सेल में वीवीएल आखिर चेंज ही नहीं हुआ। एक्सेल में जो है अपडेट आता है 2 साल 3 साल पे, तो पता होता है कि हाँ ये नया चीज़ है, उसी को इस पे तो हर दिन यूज होता है। तो यार इसमें हर दिन, क्योंकि बिकॉज दे आर लर्निंग, मतलब जो रिक्वायरमेंट है मार्केट की उसको वो डालते जा रहे हैं। हाँ, ये आपका एंड स्टार्ट ऑफ मंथ हर महीने के स्टार्ट डेट दिखाएगा, स्टार्ट ऑफ क्वार्टर हर महीने हर क्वार्टर के स्टार्ट दिखाएगा, एंड ये आपका ये स्टार्ट ऑफ ईयर दिखाएगा। ये आपका टोटल एमटीटी, टोटल वाईटीडी एंड टोटल दिखाता है, जो एमटीटी होता है उसी का फिल्टर के साथ। इसको भी यूज़ किया जाता है इसके फिल्टर के साथ, कि अगर हमने सम दे दिया और सम में हमने यहाँ पर डेट टाइम दे दिया किसका चाहिए, तो उसका एमटीटी दे देता है। इसको यूज करके देखिएगा, कोई ऐसी कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो हम आपसे बात कर लेंगे, ठीक है। अगला कैटेगरी हमारा फिल्टर कैटेगरी है। फिल्टर में हम आपको फिल्टर फंक्शन समझाएंगे। फिल्टर फंक्शंस है, ऑल है, ऑल स्पेक्ट है, ये फंक्शन आपको समझाएंगे, ठीक है सर। लेकिन ये इसका सबसे इम्पोर्टेंट कैटेगरी है। हाँ, ये टॉपिक जो है ज़्यादा टेबल पे यूज होता है, तो कल हमारा टेबल के बारे में डिस्कस करेंगे।